हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉलेज सॉल्यूशन। माय सेल्फ नेहा राय एंड आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि एमबीए करने की सोच रहे हैं। मैं खुद एमबीए करने की सोच रही हूँ एंड आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट। आई जस्ट कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन दिस ईयर और इस बार मैंने एमबीए करने का सोचा है। तो कई सारे थॉट्स आते हैं हमारे माइंड में, जैसे कौन से कॉलेज से एमबीए करना चाहिए, कितनी फीस होगी, कैसा प्लेसमेंट होगा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो काफी सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे माइंड में। तो इन सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज हमारे पास है एक स्पेशल गेस्ट। तो ये है हमारे स्पेशल गेस्ट मिस्टर फजले। तो सर, मेरे ना आपसे काफी सारे क्वेश्चंस हैं। मैं एमबीए करने की सोच रही हूँ और मेरी तरह काफी लोग हैं ऐसे जो कि एमबीए करने की सोच रहे हैं, तो आप कुछ बताएंगे इस बारे में, लाइक एमबीए ही क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आप लोग को कि आपने हमें अपॉर्चुनिटी दिया। मैं आपको बताऊँ सी लाइक जैसे मेरे 7 साल का जो एक्सपीरियंस है वो है मैनेजमेंट काउंसिलिंग का। तो एमबीए एक ऐसा कोर्स है, ये तो एक 2 ईयर का कोर्स है, मैनेजमेंट कोर्स है ना, एक ऐसा कोर्स है जो कि आपकी पर्सनैलिटी की को डेवलप करने में बहुत बड़ा रोल है। और जितने भी हम कोर्सेस करते हैं, सपोज अगर आप एमबीए करने का प्लान कर रहे हैं तो आपने ग्रेजुएशन कर रखा होगा। हाँ जी। तो ये जो कोर्स है ना, आपने जो ग्रेजुएशन किया है बीकॉम है ना या फिर बीएससी कोई भी कोर्स करा है, ये कोर्स आपको तैयार नहीं करता है जॉब के लिए। बट एमबीए एक ऐसा कोर्स है जो कि आपको रेडी करता है फॉर इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है, जहाँ पे जो कोर्स करने के बाद आपको डायरेक्ट जॉब मिल जाता है। तो अगर मेरे से पूछोगे आप व्हाई एमबीए, इफ यू वांट टू डेवलप योर पर्सनालिटी, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है, अगर आपका ड्रीम है कॉर्पोरेट में जाना है, आपका ड्रीम है बिजनेस डील्स करना है, अपना बिजनेस स्टार्टअप करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, तो यू शुड हैव टू डू एमबीए क्योंकि आपको वहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। ओके, सो इज देयर एनी एंट्रेंस एग्जाम और वी शुड टेक एडमिशन ऑन मेरिट बेसिस लाइक एंड ऑल? सी, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि अगर हम मान ली कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देते हैं या फिर हमने कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया है, अगर हमारा परसेंटेज उसमें अच्छा नहीं आया है, ठीक है, तो क्या हमें एमबीए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बहुत बच्चे ये सवाल पूछते हैं। सी, अगर आपको कोई टॉप 20 स्कूल जाना है लाइक IIM वगैरह जाना है, तो उसके लिए आपको कैट का एग्जाम देना पड़ेगा है ना, और आपका कैट में बहुत अच्छा परसेंटाइल है तो आपको इंडिया के जो टॉप 20 स्कूल है उसमें आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा। अगर नहीं आया है या इवन आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं भी दिया है, उसके बावजूद भी आप इंडिया में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो अच्छे 20 स्कूल में भी आते हैं, वो लोग GDPI कंडक्ट कराते हैं, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू, उसके बेसिस पे आपका कम्युनिकेशन स्किल्स देखता है एंड आपकी वो वोकैबुलरी देखती है ना, ठीक है, उसके बिहा पे भी कॉलेजेस जो है ऑफर लेटर देते हैं MBA PGDM जो भी आपको मैनेजमेंट का कोर्स करना है वो आप कर सकते हैं। तो आप कुछ फीस के बारे में ब्रीफ बता सकते हैं, लाइक व्हाट इज द एवरेज फीस और यू नो? सी, अगर हम फीस की बात करते हैं ना, अगर आपका मेरिट अच्छा है, अगर आपका अच्छा परसेंटाइल आ गया है, आपको अच्छे 20 स्कूल मिल रहा है, तो दैट्स गुड। अगर आपका अच्छा परसेंटाइल नहीं आया है इवन या फिर आपने कोई एग्जाम्स नहीं दिया है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ठीक ठाक कॉलेज लो, जिनकी फीस अराउंड मान लो एमबीए की बात करोगे तो कंप्लीट 4 से 5 लाख का होने चाहिए ना, क्योंकि देखो प्राइवेट इंस्टीट्यूट क्या है, जो आपसे लेगा पैसे वही आपको सर्विस देगा, राइट? मतलब अगर इसको मैं थोड़ा आसान शब्दों में बताऊं, आप जितने रुपए का फोन लोगे वैसे आपको सर्विस मिलेगा है ना, आप जितने रुपए खर्च करोगे एक होटल में आपको वैसा ही सर्विस मिलेगा। Exactly. तो सेम लाइक प्राइवेट कॉलेज भी ऐसे ही होता है, क्योंकि वो एक कोई पर्टिकुलर ओनर होता है उसका, ठीक है, वो अपना भी बिजनेस लेकर चलता है कि हमारा भी प्रॉफिट हो, हम बच्चों को वही चीजें प्रोवाइड कराएं। तो कई बार बच्चे क्या होता है, वो सोचता है मुझे कोई 1 लाख रुपए का कॉलेज मिल जाए, 50,000 का कॉलेज मिल जाए प्राइवेट में, अगर आपको गवर्नमेंट में मिल रहा है तो इट्स वेरी गुड, ठीक है, लेकिन आप प्राइवेट में ऐसे कॉलेज देखोगे तो फिर वो 1 लाख रुपए में आपको कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज नहीं करा पाएगा, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है, वो आपको उस लेवल ऑफ फैकल्टी आपको नहीं दे पाएगा जिस लेवल ऑफ फैकल्टी की रिक्वायरमेंट आपको होनी चाहिए, या फिर उस लेवल ऑफ आपको सर्टिफिकेशन या इंडस्ट्री विजिट नहीं करा पाएगा, क्योंकि वो आपको आपसे आप पैसे ही कम दे रहे हो ना, ठीक है। तो अगर आपका ड्रीम है कि मुझे अच्छे 20 स्कूल से बनना है, तो आप एक 10 से 15 लाख का बजट लेकर चलो, ठीक है, सो देट की आपको एक बहुत अच्छा 20 स्कूल मिल जाएगा प्राइवेट में ना, ठीक है। और ड्रीम है कि नहीं मुझे बहुत अच्छे 20 स्कूल से करना है, तो 20-25 लाख का लेके चलो, वहां से मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग जैसे बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आप 5 से 10 लाख का भी लेके चलोगे तो एक अच्छा 20 कोई ऐसे कॉलेजेस बता सकते देर इज मैनी कॉलेजेस। आप जैसे आप लोग काउंसलिंग करते हैं, जैसे हम लोग भी काउंसलिंग करते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है ना, आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं ना, फिर जो भी बच्चे का क्वेरीज होगा वो हम वो पर्सनली बता देंगे, ठीक है। सो विच इज द बेस्ट कॉलेज एज पर ROI? सी, सबसे पहले अगर हम ROI को जानते हैं कि ROI होता क्या है, राइट, ROI मीन्स रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब आप जो पैसे हर किसी का कंसर्न होता है, हमारे पेरेंट्स भी पैसे लगाते हैं, हम भी लगाते हैं, बिकॉज की MBA जब करने जाते हैं तो वी आर मैच्योर्ड, तो मैच्योर्ड होते हैं तो हमारे मन में सवाल आ जाते हैं, क्योंकि हम खुद हमको लगता है
पेरेंट्स के पैसे लगा रहे हैं तो यार कितना रिटर्न आना चाहिए उसका। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है हमारा। तो सबसे पहले हम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट को जानते हैं। क्या होता है कि आप कितनी जितनी फीस लगा रहे हो कॉलेज में है ना, आपको उसके बेसिस पे कितना पैकेज मिल रहा होता है। सी अगर किसी कॉलेज का फीस हम लगा रहे हैं 8 लाख रुपए, ठीक है, और हमको पैकेज मिला 10 लाख का, तो मेरा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते हैं एवरेज पैकेज। किसी कॉलेज की फीस है 5 लाख रुपए, ठीक है, टोटल फीस एमबीए की, और वहां का एवरेज प्लेसमेंट जो है वो 6 से 7 लाख का है, इट मींस रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट उस कॉलेज का कैसा है? वेरी गुड, वेरी गुड। वहीं पे कोई कॉलेज की फीस है 9 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, और उसका एवरेज पैकेज है वही 5 से 6 लाख रुपए, इट मींस क्या हुआ, उसका आरओआई उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि उस फीस ब्रैकेट में भी हमको वो कॉलेज मिल रहा था 5 से 6 लाख का, जहाँ पे हमको 5 से 6 लाख का एवरेज पैकेज मिल जा रहा था। सो दैट इज आरओआई। और हम जब आरओआई चेक कर रहे हो तो हम ये देख लें कि कंपनी कौन से कॉलेज में विजिट कर रही है ना, वो कंपनी का प्रोफाइल कैसा है, कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है, ये चीजें इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो मेरा सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, हमने MBA तो कर लिया, अब उसके बाद सबसे बड़ा डाउट ये है कि हमें कैसी कंपनीज में प्लेसमेंट मिलेगा, अच्छा होगा नहीं होगा, तो कैसे कैसे कंपनीज हैं जिनके साथ टाई अप होता है इनका, और टॉप कंपनीज हैं या ऐसे किसी में भी करा देते हैं प्लेसमेंट? राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे आप कौन सा स्पेशलाइजेशन लेते हैं, है ना, जैसे मार्केटिंग है, फाइनेंस है, लॉजिस्टिक सप्लाई एंड चैन है, एक इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट है, राइट, है ना, तो डिपेंडिंग अपॉन द स्पेशलाइजेशन है ना, तो हर स्पेशलाइजेशन के लिए कोई बहुत सारी कंपनीज होती है ना, अलग अलग कंपनीज होती है, मार्केटिंग के लिए अलग है, बैंकिंग फाइनेंस के लिए अलग कंपनीज है, जैसे HDFC बैंक्स हो गया, एक्सिस बैंक्स हो गया, तो ये लोग कोई एग्जाम्स नहीं कराता, ये लोग कॉलेज से डायरेक्ट टाई अप रहता है, जहाँ पे जाके वो लोग प्लेसमेंट्स लेते हैं, ठीक है। अब हम कैसे चूज करें? आप जब कोई कंपनी आपके कॉलेज में विजिट करने के लिए आता है, या फिर कोई कॉलेज अभी आप देख रहे हो MBA के लिए, आप देखो कि उस कॉलेज में कौन सी कंपनियां विजिट करती है ना, और उस और वो कितने बच्चे को प्लेस्ड करती है ना, ठीक है, मतलब मान के चलो कोई स्टार्टअप कंपनी है ना, बहुत ही स्टार्टअप है, उनके पास में 10-20 एम्प्लॉय है, 50 एम्प्लॉय है, वो कंपनी आपको लेने के लिए आ रही है, रिक्रूट करने के लिए आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो चीजें सही नहीं है, बट आपको वहां पे उतना फ्यूचर ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है, मतलब 50 एम्प्लॉय बहुत वो नहीं है। और वहीं पे कोई ऐसी कंपनी है जो 20 साल पुरानी, जिनका जिनका क्या कहते हैं उसको, जो वर्क होते हैं, एम्प्लॉय नेटवर्क है उनका काफी बड़ा है, ठीक है, बहुत पुरानी कंपनी है, तो आपको ये चीजें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब ये हम कैसे चेकआउट करेंगे? ये चेकआउट करेंगे हम कंपनी का कॉलेज का प्रोफाइल देखेंगे, ठीक है, कि हमारे कॉलेज में कौन से कंपनियां विजिट कर रही है, और वो कौन से बच्चे को प्लेस कर रहा है, उसका फिर हम जाके लिंक्डइन से क्रॉस चेक कर सकते हैं, क्योंकि लिंक्डइन में आपको वो सारे लोगों का प्रोफाइल मिल जाएगा, ठीक है, कि वो कौन-कौन कहां-कहां जॉब कर रहे हैं। वेल, थैंक यू सो मच, इट्स अ नाइस टू मीट यू। सो मेरे तो सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, तो हो सकता है आपके भी सारे क्लियर हो चुके हो। स्टिल अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर अवेलेबल है, आप वहां से हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।